तो मार्वल फैंस हो जाओ भाई खुश, क्योंकि फाइनली जो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी मूवी के वॉल्यूम 3 की रिलीज डेट है ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर या फिर वीओडी को लेकर हो चुकी है 100% कंफर्म। तो बस जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए कि ये मूवी हिंदी में आएंगी या फिर नहीं आएंगी, क्या कुछ रिलीज डेट होने वाली है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। नो डाउट दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा सुपर हिट होकर आ रही है, थिएटर्स में अलग ही रिकॉर्ड क्रिएट कर आ रही है, तो ओटीटी पर देखने का जमकर मजा आने वाला है। मूवी के जो ओटीटी ऑफिशियल राइट्स है वैसे तो ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास में है, लेकिन दोस्तों पहले आपको रेंटल बेसिस में देखने को मिलेंगी जो कि वीओडी पर प्राइम वीडियो के पास जाने वाली है। लेकिन रेंटल वेंटल से यानी कि भाई कोई पैसे खर्च नहीं करता, सब जुगाड़ी लोग हैं हमारे यहाँ, जुगाड़ कर देख ही लेते हैं। लेकिन बात आती है कि जुगाड़ करने के टाइम पर हमें हिंदी में देखने को मिलेंगे या नहीं। दोस्तों आपको ये बता दूं कि आपको दुख तो होगा लेकिन इसके जो हिंदी डब के राइट है वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास में है, इसलिए मूवी हिंदी में वीओडी पर रिलीज नहीं होने वाली। चांसेस बनते आने के लेकिन भाई ऐसी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन इंग्लिश में आने वाली है, तो रुक जाना भाई थोड़े टाइम बाद आ जाएंगे। तो बात करें वीओडी रिलीज डेट को लेकर तो ये 7 जुलाई को, हाँ तो 7th of July इसकी कंफर्म रिलीज डेट है वीओडी को लेकर। लेकिन दोस्तों बात आ जाती है कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर कब देखने को मिलेंगी, तो अब तक जितनी भी खबरें निकल कर आई है उसके अकॉर्डिंग आपको अगस्त के मंथ में देखने को मिलने वाली है। और अगस्त में जो डिज्नी वाले पहले ही अनाउंस कर देते हैं कि उनकी अपकमिंग जो मूवीज आने वाली है क्या कुछ आने वाला होता है वो अगस्त में आएगा। तो अभी तक क्योंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है डिज्नी प्लस हॉटस्टार की तरफ से। हाँ क्या कहना है इसके बारे में कमेंट में बताओ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।